करा सकते तो फिर ये किस तरह अपोजिशन बन के ये हिसाब लेना चाहते हैं, और इनका इनका ये हिसाब सिवाय सौदेबाजी के और कुछ नहीं है। इसीलिए इस वक्त हम अपोजिशन को देख रहे हैं। के अंदर शरीक होने की कोशिश करें तो आपके आंसू आपकी आंखों से नहीं थमते और आपका दिल जो है वो दर्द से भर जाता है। इसलिए कि इस पूरे सूबे के नौजवानों का जो हाल है, यहाँ के निजामे तालीम की जो बदहाली है, यहाँ पे मरीज जिस तरह से अस्पतालों के फुटपाथों के ऊपर बिलक बिलक के और सिसक सिसक के जान दे देते हैं, यहाँ पे मेरी माए और मेरी बहनें जिस तरह तवील सफर के अंदर अपनी बीमारी की हालत के अंदर अस्पताल नहीं पहुंच सकती है और रास्ते में उनकी रूह जो है वो परवाज कर जाती है, यहाँ मेरे जहीन नौजवान कि अगर उनको वसाइल मुयस्सर हो और उनको सरपरस्ती मुयस्सर हो तो वो नासा के साइंसदान बनते हैं, वो दुनिया की बेहतरीन लेबोरेटरियों के अंदर कामयाब साइंसदान बन जाते हैं, और वो लोग दुनिया के जहानत के मुकाबले जीतने वाले नौजवान बनकर सामने आते हैं। लेकिन अगर हम अपने इस बलोचिस्तान के निजाम तालीम का हाल देखें, यहाँ पे कॉलेजों की कैफियत देखें, यहाँ पे हॉस्टलों के निजाम का हम जायजा लें, यहाँ पे हम अपने बेछत के स्कूलों और पीने के पानी के बगैर उन स्कूलों का अगर हम जायजा लें और उन तालिब इल्मों की मजलूमियत को देखें कि जो सारा दिन आके स्कूल में बैठते हैं लेकिन कोई टीचर उनको पढ़ाने के लिए नहीं आता, इसलिए कि टीचर ने तो सिर्फ तनख्वाह लेनी होती है, और निजाम तालीम के वो सरबराहान के जो इस पूरे निजाम को चलाते हैं वो इस रिश्वतखोरी के अंदर मुकम्मल तौर पर खुद शरीक है। इस वक्त भी सिविल अस्पताल क्वेटा हो या BMC क्वेटा हो या शेख जायद हॉस्पिटल हो या कोई दूसरा हॉस्पिटल, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे आप जाके बदनज़मी का और बद इंतजामी का वो मुजाहिरा देखेंगे कि उसके नतीजे में सेहतमंद इंसान जो है वो वहाँ से बीमार होकर निकलता है, चले जाए कि कोई बीमार वहाँ पे सेहत की उम्मीद लेके जाए। बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी तकलीफों की बात हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कुछ बुनियादी बातें इस लिहाज से करना चाहता हूँ कि मैं आपकी खिदमत में ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बलोचिस्तान को और इस क्वेटा की बदहाली को अगर हम इसका जायजा लें, यहाँ पे जितने भी मसाइल हैं इसमें हमें वफाक से तो कोई उम्मीद नहीं थी, इस्लामाबाद से हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे ऊपर कोई रहम का हाथ रखेंगे, वो हमारे साथ कोई शफकत करेंगे, और 18वीं तरमीम के मंजूर हो जाने के बाद तो ये जिम्मेदारी वैसे ही बलोचिस्तान के और सूबे के हुक्मरानों के ऊपर आयद होने लग गई है। लेकिन उससे पहले भी हमें वफाक से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बलोचिस्तान की पूरी तारीख को आप आगाज से लेकर आज तक का अगर जायजा ले लें तो आज जो लोग मातम कर रहे हैं, आज जो लोग नाम निहाद अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं या पिछली हुकूमतों में वो अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे या वो हुकूमतों के अंदर शामिल रहे, आप एक मुरतब जायजा देख लें, यही वो तबका था, यही वो माफिया था जो मुसलसल बलोचिस्तान के ऊपर हुकूमत करता चला आ रहा है। इसलिए इनको ये बात जेब नहीं देती कि ये रोएं और चिल्लाएं और फरियाद करें और बलोचिस्तान के हुकूक की पामाली का गिरिया करें, इनको ये बात जेब नहीं देती कि ये साहिल और वसाइल के लुटने की बात करें, इनको इस बात की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेटा शहर के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर जो बदहाली और पसमानदगी और बेरोजगारी है उसका मातम करें, इसलिए कि ये तो खुद इसके जिम्मेदार हैं, इन्होंने इस्लामाबाद के माफिया के साथ मिलके बलोचिस्तान को लूटा है, इन्होंने इस्लामाबाद के गुंडों और लुटेरों के साथ मिलके बलोचिस्तान के खजाने से अपनी जेबें भरी हैं और अपने खजानों को इन्होंने और अपनी तजोरियों को इन्होंने भरा है। मैं आपकी खिदमत में ये इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनको ये बात क्यों जेब नहीं देती, ये बात इसलिए जेब नहीं देती कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 90 की दहाई में, बहुत ज़्यादा पीछे में नहीं जाना चाहता मैं आपको, सिर्फ 90 की दहाई में जब क्वेटा शहर के अंदर सेवरों के और पानी पहुंचाने का एक निज़ाम अरबों रुपए की मालियत का सोई हुकूमत ने दिया था और यहाँ पूरी गलियों मोहल्लों को खोद के वहाँ पे पाइप डाले गए थे, उसका कोई एक कतरा पानी किसी को नहीं मिला, तो मुझे ये बताएं
कि उस वक्त किसकी हुकूमत थी। इन्हीं कौम परस्तों में से किसी जमात की हुकूमत उस वक्त भी मौजूद थी, इन्हीं मजहबी ग्रोहों में से किसी मजहबी जमात की उस वक्त हुकूमत मौजूद थी, तो फिर ये किस बुनियाद पे गिला कर सकते हैं। इस गिला करने का अगर कोई हक पहुंचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के उन सरफरोश कारकुनों को हक पहुंचता है कि जिनका दामन किसी किस्म की हरामकारी और किसी किस्म की रिश्वत सितानी से दागदार नहीं है।